हेलो चिल्ड्रंस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 1, 2, 3 नंबर से ऑटो रिक्शा का चित्र बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। और हाँ प्यारे बच्चों, आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको जो है ऑटो रिक्शा की स्पेलिंग आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप ऐसे 1 लिखिएगा, 1 लिखने के बाद आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 के थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ पे ऐसे 2 लिखना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसे 2 लिख दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे 3 लिख देंगे, बहुत ही आसान तरीका है प्यारे बच्चों। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये हमारा गया 1, 2, 3। 3 को पूरा सर्कल शेप में नहीं देना है प्यारे बच्चों, यहाँ तक लिखना है। और आप हमें जो है ऑटो रिक्शा की स्पेलिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद देखिएगा, यहाँ से आपको करना क्या है, एक सीधी लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना होगा। ये देखिए, यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करिए। फिर इसके बाद एक आपको ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा प्यारे बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करिएगा, एक वर्टिकल। फिर इसके बाद आपको करना क्या देखिएगा, फिर इसके बाद फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। ये हो जाने के बाद प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको एक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करना होगा। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ से आप एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर देंगे, बहुत ही आराम से ड्रॉ करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा प्यारे बच्चों। फिर यहाँ से एक सीधी लाइन, आपको अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का यूज करिएगा। यहाँ तक आप ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 के जस्ट नीचे तक आपको सीधी लाइन ड्रॉ करना होगा। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिएगा, यहाँ से आपको एक ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करना होगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगाइए, एक लाइन ऐसे हल्का सा सर्कल शेप में देते हुए यहाँ तक खींचिएगा। फिर यहाँ से आपको एक सीधी लाइन यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर देना है प्यारे बच्चों। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ ऐसे करिएगा, बहुत ही आसान तरीका। बस आप वीडियो पे बने रहिए प्यारे बच्चों। ये हो जाने के बाद एक सीधी लाइन आपको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देना होगा, फिर यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए, यहाँ तक हो गया। ये हो जाने के बाद प्यारे बच्चों, इसको ऐसे डबल कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हो जा यहाँ से आप एक सर्किल और ड्रा कर देंगे, इससे बन जाएगा ये ऑटो रिक्शा का व्हील। फिर यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल ड्रा कर देंगे, यहाँ पे इस सर्किल को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पे बन जाएगा ऑटो रिक्शा का सेकेंड व्हील। प्यारे बच्चों, एक ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि हम जो है आज आपको कलर भी करना सिखाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो जाने के बाद देखिएगा, यहाँ से एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करना होगा। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिएगा, फिर इसको यहाँ पर ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद प्यारे बच्चों, इसको और ऊपर बढ़ाइए, फिर यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ये हो जाएगा ऑटो रिक्शा का छत प्यारे बच्चों। यहाँ से एक ऐसे लाइन ले जाइए, फिर यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर इसको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से मिला दीजिए। अब 2 की हेल्प से हम बना देंगे ऑटो रिक्शा का सीट प्यारे बच्चों, ड्राइवर वाला सीट। यहाँ से ऐसे मिलाइए, फिर इसके बाद यहाँ पर मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ये बैक सीट बना दीजिए, जहाँ पर जो है सवारी लोग बैठेंगे। फिर इसके बाद इसको ऊपर की तरफ मिलाइए, यहाँ पे एक हैंडल हम बना देंगे, जहाँ से ये हमारा ऑटो रिक्शा स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम बना देंगे, ये आगे का मिरर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा ऑटो रिक्शा बनके तैयार हो गया है। चलिए हम अब ऑटो रिक्शा को कलर करना सिखाते हैं।